नमस्कार, मैं हूं दानिश अजीज और लेकर हाजिर हूं माहौल बनाए रखिए। सियासी जो बिसात है वो बीत चुकी है और जो भी रास्ता है दिल्ली का वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लिहाजा हम इसीलिए आपके लिए लेकर आए हैं माहौल बनाए रखिए। जहां एक तरफ सपा बसपा के गठबंधन ने एक कह सकते हैं नया भूचाल ला दिया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रियंका को उतार कर एक नया रास्ता बनाया है अपने लिए, तो वहीं भाजपा का सीधा कहना है कि उसका गठबंधन आम पब्लिक के साथ है। तो आइए शुरू करते हैं, क्योंकि माहौल बना हुआ है और इसीलिए हम कहते हैं कि माहौल बनाए रखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम के, और सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी से कि आखिर 5 साल में इस जिले को क्या दिया, ये बताइए। आप चुनाव आ चुके हैं, चुनाव आप लड़ेंगे, क्या दिया, क्या लेकर जाएंगे पब्लिक के बीच में कि हाँ वो आपको वोट दे? सबका साथ सबका विकास। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ भारतीयों की बात की है और हमने बिना किसी जाति और धर्म के बगैर हमने है ना पूरे देश के अंदर निष्पक्ष रूप से अपनी योजनाओं को लागू किया। सबका साथ सबका विकास, ये तो बीजेपी के हो गए। सपा से बात कर लेते हैं, आप तो गठबंधन हो गया, पहले एक दूसरे को पानी पी पी के कोसते थे और आज गठबंधन में। चलिए, ये सब समय समय की बात होती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये विकास की बात कर रहे हैं, विकास के नाम पर प्रदेश नहीं देश के अंदर विनाश हुआ है। और जहाँ तक नौकरी की बात कर रहे हैं, आज युवा बेरोजगार हमारे सड़कों पर टहल रहे हैं। और जहाँ तक इन्होंने कहा था कि 5 लाख रुपये हमने किसी योजना से गरीबों को देना काम करा है, कहीं कोई नहीं दिया इन्होंने। 15-15 लाख रुपये जो इन्होंने झूठ बोल करके सरकार बनाई है, ये जनता के साथ इन्होंने छलोट झूठ बोला है। देखो, पब्लिक के बीच में हम झूठों की सरकार को लेकर जाएंगे। 5 साल होगा इन झूठों की सरकार को, आज तक इन झूठों ने क्या क्या है सिवा पब्लिक को बेवकूफ बनाने के अलावा दूसरा काम नहीं कहा है। जब से ये देश में आए हैं इन्होंने GST के नाम पर, अरे नोटबंदी के नाम पर, और जाने क्या कहा, नौजवानों को बेरोजगारी के नाम पर ठगा है। कांग्रेस का ही मत ले लेते हैं, प्रियंका गांधी आ चुकी हैं, ये बताइए मीनू जी, प्रियंका गांधी आई हैं, क्या तब्दीली आएगी? प्रियंका गांधी आई हैं तो आप देख ही रहे हैं, सब लोग कांग्रेस की तरफ झुकाव बन रहा है और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा का एहसास हुआ है। और रही बात उसकी, हम यहाँ पर जो रणनीति लेके प्रियंका जी आई हैं उसके ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे और उसमें हम आगे बढ़ेंगे। बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, इन 5 सालों की अगर हम बात करें या पिछले सालों की बात करें, कुछ मिला आपको? नहीं, कुछ भी नहीं मिला, पैसा भी नहीं मिला। मतलब इतना हो रहा है, नारी जाति में नारियों को परेशान कर रखा। अगर हम अधिकारियों के पास जाते हैं वे लोग पैसे की बात करते हैं, जिनका पैसा देते हैं जो लोग, उनका काम होता है, बाकी लोगों को कुछ नहीं होता। बसपा जो मिले हैं और कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर डालेंगे, सरकारें तो इनकी भी नहीं है। हाँ, तो फिर क्यों गठबंधन कर रहा है? अगर कुछ करते हैं तो अपना आप ही सरकार ले आते हैं। गठबंधन की क्या जरूरत पड़ी थी? हमारी सरकार ने गांव तक जो है गैस सिलेंडर बांटे हैं, जो माताएं थी 20 रुपए में एक दिन पूरा परिवार खाना खा रहा है, 600 रुपए में सिलेंडर है, 700 रुपए का पूरे 20 रुपए का एक आदमी बीड़ी पी जाता है, पूरे 20 रुपए में खाना खा रहा है। विकास क्यों नहीं हुआ? सड़कें बन रही हैं जहाँ तहाँ। 46 पार्टी से संगठन गठबंधन करने वाली पार्टी आज कहती है कि 2 पार्टी से गठबंधन क्यों हुआ? अगर विकास इन्होंने किया होता तो ये 46 पार्टी से गठबंधन करके तो सरकार पहले ही बना चुके हैं और फिर दोबारा ये सरकार जगह जगह क्षेत्रों में गठबंधन करके ये फिर दोबारा सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इस बार नाकाम रहेंगे, सरकार बना ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, गठबंधन तो कामयाब होगा सर। बीजेपी वाले ये बता दें कि बेरोजगारी जो इतनी फैली है, बेरोजगारी को पिछले मुद्दे पर चुनाव बना के मुद्दा लड़ा गया था, बेरोजगारी का मुद्दे को चुनाव बना के लड़ा था इन्होंने। आज के देश में बेरोजगारी का जो आलम है वो पिछले से बहुत ज्यादा हो चुका है। रोजगार के लिए क्या किया, युवाओं को बेरोजगारी मिली है, रोजगार कोई नहीं मिला है। नौजवान युवक यहाँ पर मौजूद है, वो कह रहा है कि हाँ रोजगार उनको नहीं मिला। रोजगार भरपूर मात्रा में मिला है, परंतु ये चाहे नौकरी, नौकरी का वायदा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। नरेंद्र मोदी जी नौकरी का वायदा नहीं किया था, रोजगार का वायदा किया था। पहले कौशल विकास केंद्र लगाए, पहले मेरी बात सुन लो आप, जब आपने क्वेश्चन कहा पहले मैं उत्तर दे दूं, उसके बाद अपना क्वेश्चन करना। भारतीय जनता पार्टी एक चैनल की तरह चली, पहले कौशल विकास योजना के तहत उन्होंने है ना एक प्रशिक्षण शिविर लाया, फिर मुद्रा योजना के तहत लोन दिलवाया। मुद्रा योजना के तहत लोन दिलवाने के बाद लगभग है ना 3 करोड़ मुद्रा योजना के अंदर लोन दिलवाने का काम किया, उसके अंदर 4-4, 5-5 लोग भाग भी लगते होंगे। नौजवान को एक मुकम्मल जवाब, हर नौजवान का वायदा है हम कि हर नौजवान को रोजगार देंगे, परंतु है ना जितने बड़ी मात्रा के अंदर 65 साल के अंदर इतने रोजगार नहीं उपलब्ध कराए गए, जितने है ना इन 4.5-5 साल के अंदर रोजगार उपलब्ध कराए गए भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर।
मुद्रा 5 साल आप भी सत्ता में रहे, 5 साल बसपा भी सत्ता में रही, उसने कितना रोजगार यहाँ पर जो है उपलब्ध करा दिया। देखिए समाजवादी पार्टी की जो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार थी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने वादा किया था कि हम किसी को नौकरी नहीं दे सकते तो उसको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। हमने 1,000 रुपए नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी योजना आज। और इसी के साथ साथ हमारी माँ बहने खड़ी है, 500 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी के साथ साथ हमारी जो बहन बेटी है ये 30,000 रुपए समाजवादी पार्टी ने उनको देने का काम किया है, वो सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी। कागे योजनाएं आज मैं पूछ रहा हूं, योजनाओं पर अगर बात करें मीनू जी, तो अभी सपा से भी लोग पूछ रहे हैं, बसपा से भी और बीजेपी से, कांग्रेस भी केंद्र में रही है काफी समय तक रही है, उसने क्या यहाँ का उद्धार कर दिया इस इलाके का? जितने भी उद्योग धंधे लगते थे सब कांग्रेस के जमाने में लगते थे, अब आप बताइए। मैं पूछना चाहती हूँ सबसे कि सर्वे करा लीजिए आप लोग कि कौन सा नया उद्योग धंधा लगा है जब से और सरकारें आई हैं, और बंद कराने का काम इन लोगों ने किया है। हम लोगों के टाइम, कांग्रेस के टाइम में सब लोगों को रोजगार मिले हैं, ऐसा नहीं है नहीं मिले। साहब ये बताइए कि अगर कांग्रेस ने बहुत काम करा दिया या 5 साल बीजेपी ने काम करा दिया, तो आज भी यहाँ का युवा परेशान क्यों है, किसान क्यों परेशान है? इन्होंने बिजनौर के लिए एक ट्रेन का डब्बा तक नहीं दिया, जबकि यहाँ का लाखों लोग बॉम्बे में रहता है। ये झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करते, बलात्कार बढ़ा है। 385 रुपए का सिलेंडर 780 रुपए का हो गया, और वैसा वाला 1,000 का हो गया। जब $122 का पेट्रोल मिल रहा था, ताली मत बजाओ भाई, एक मिनट, बंटू बंद कर लेना यार, $122 का जब पेट्रोल मिल रहा था ना, तब 62 रुपए बिक रहा था तेल। और मैं बताऊंगा ना सब्सिडी, पहले मेरा नंबर है, सवाल सुनो, जब 29 डॉलर का हो गया ना, $29 की जब एक बैरल हो गई ना, तब भी 70 रुपए को बेच रहे हैं। आपको पता नहीं है 15 करोड़ लोगों को जो है, कौन से 15 करोड़, लोन नहीं मिला क्या? अरे किसका लोन क्या होता है? बिजनौर एक कृषि क्षेत्र माना जाता है, और यहाँ पे ज्यादातर कृषि क्षेत्र किसान इसको सींचते हैं, किसानों से बात करते हैं। ये बताइए जिस तरीके से राजनेता दावा कर रहे हैं, तो किसानों को क्या मिला बिजनौर में? किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति ने या किसान का नाम तक लेने की फुर्सत राजनीतिक दल के लोगों को नहीं है। आज किसान के नाम पर राजनीति होगी, यहाँ खड़े होकर जब डिबेट होती है तो राजनीतिक दलों के लोगों को किसान का नाम लेने की भी फुर्सत नहीं है। आज बिजनौर जनपद का 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया, चड्ढा ग्रुप की शुगर मिलों ने पिछले सालों का बकाया नहीं दिया। कृषि प्रधान देश है, बारी बारी से सभी की सरकारें कभी ना किसी की सरकारें रही हैं। कांग्रेस ने भी राज किया, भाजपा ने भी राज किया, समाजवादी पार्टी ने भी राज किया, बहुजन समाज पार्टी ने भी राज किया। आज तक कृषि प्रधान देश में कोई कृषि नीति आज तक नहीं बन पाई, ये इस देश का दुर्भाग्य है। ये वाकई दुर्भाग्य की बात है। पार्टियां बात करती हैं जवान और किसान की, लेकिन क्या ये जवान और किसान इस पे जो है पार्टियां खड़ी उतरती हैं? ये विकास की बात करते हैं, नेटौर से आप धामपुर से नेटौर आ जाओ, नेटौर से धामपुर सड़क देख लो, आप जाके देखो, यहाँ से कोतवाली, बिजनौर से कोतवाली रोड देखो जाके, ये विकास है इनका। विकास की बात करते हैं, अगर आदमी जाएगा इतने इतने गड्ढे हैं वहाँ, हार्ट अटैक हो जाएगा आदमी को उस रोड पे चलने पे, इतने बड़े गहरे गहरे गड्ढे। आप पता करो, आप यहाँ के सांसद यहाँ के विधायक से क्या करा है, देख लो जाके रोड, आप रोड क्यों नहीं देखते जाके? आप तो छात्र लग रहे हैं, तो क्या आपको छात्रों को कुछ मिला बिजनौर में? सर हमारा एजुकेशन बहुत सिस्टम बेकार है सर, हम क्लास में 1 घंटे बैठे रहते हैं सर, कोई भी नहीं आता सर, 1 घंटे बैठे रहे सर, कोई टीचर नहीं आता, पढ़ाते भी नहीं सर, आके बैठ जाते हैं सर, अटेंडेंस लगाई और चले गए सर, पूरा पीरियड निकल जाता है सर, कोई भी नहीं आता सर। यहाँ पर जो है जो मिले हैं उनका जो ब्याज है किसानों का, वो क्यों नहीं माफ करती सरकार? हमने हाई जो जितने किसानों के बिल आते हैं उन पर है ना, सबको है ना, जो अपना सरचार्ज होता है वो बिल्कुल माफ़ किया, वो हमें नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने, सभी सरकारें माफ़ करती हैं। दूसरी बात, जहां तक सड़कों का प्रश्न उठाया, यहां से लेकर नूरपुर से लेकर है ना मुरादाबाद तक कितना बड़ा हाईवे बना, वहाँ मेरठ से लेके और कोटद्वार तक कितना बड़ा हाईवे तैयार हो रहा है। क्यों भाई साहब बना हाईवे बना? ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना।
यहाँ पर हम सबसे बात कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि नहीं बना। कौन कह रहा? आप जाकर देखो ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और यहाँ से चांदपुर की चुंगी दूर नहीं है, चांदपुर की चुंगी से लेकर नूरपुर तक चले जाओ। जो जो टू लेन था वो एट लेन हो चुका है। इधर से आप चले जाओ, यहाँ से घुसो मेरठ से लेके और वहाँ तक घुसो आप, है ना, कोटद्वार तक। यदि आपको काम नहीं चलता वो महसूस हो और एट लेन महसूस ना होती हो तो आप मेरा नाम बदल कर रख दियो। हमारा सपा जो है बराबर बीजेपी के कामों को ये कहती थी फिता काट रहे हैं। साहब आपकी 5 साल सरकार थी, आपने क्यों रोडें नहीं बनवा दी? समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर, मैं जनपद की बात नहीं कर रहा, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जाके देख लिए। अभी बिजनौर की बात कर लीजिए कि स्टूडेंट कह रहा है कि टीचर नहीं आते, स्कूल की हालत खस्ता है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। हमारी सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बढ़िया व्यवस्था थी, मिड डे मील आप छात्रवृत्ति जाकर के देख लीजिए सबको मिली है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी ने एक बिजनौर को मेडिकल कॉलेज देने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको रोकने का काम किया है। आज किसानों की बात दिगंबर सिंह ने की थी, जिलाध्यक्ष ने, इस जनपद के 225 किसानों को 5,90,00,000 रुपए का सब्सिडी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 24,000 किसान ऐसे हैं जिसने खाद बीज पर सब्सिडी का लाभ पहुंचाया। ये बताइए 2007 से 2012 तक तो आपकी भी सरकार थी, तो यहाँ की हालत क्यों खस्ता है? बहन जी की सरकार में 9 बजे अधिकारी आके बैठ जाया करते थे, इतना खौफ था। बहन जी की सरकार में 9 बजे अधिकारी आके बैठ जाया करते थे, तो लोगों से पूछते हैं क्या जो कह रहे हैं क्या इसमें सच्चाई है? झूठों की सरकार है, जुमलों की सरकार है। और तो आपके बसपा के गठबंधन वही कह रहे हैं? बिल्कुल जुड़े सरकार है बसपा। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, बिजनौर के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जो इस बार हुआ है कि हमारे किसान 3-3, 4-4 दिन धरने पे बैठते हैं, गन्ना पेमेंट हो रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनको भगा कर दौड़ा पीटा जाता है और उनका 1,000 करोड़ रुपया उनका बकाया है। और रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन की आदि है, गठबंधन की सरकार बनने वाली है। आप लोग तो भी पहले सरकार में रहे हैं, आप लोग ने क्यों नहीं माफ कर दिया किसानों का? जिस किसानों का बकाया पेमेंट था हमने वापस किया, किसानों का वापस किया। बिल्कुल ये बताइए, जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि हमने किसानों का बहुत भला किया, भला होता दिखा बिजनौर को? बिल्कुल भला होता नहीं दिखा। मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब सरकार बनी थी बीजेपी की तो 2-3 क्वेश्चन उसमें आए थे कि हम जो है नोटबंदी जो लेके आए हैं, डिमोनेटाइजेशन, इससे आतंकवाद को खत्म कर देंगे। लेकिन अभी हमारे 40 जवान शहीद हो गए, आतंकवाद कहाँ खत्म हुआ? अगर डिमोनेटाइजेशन से आतंकवाद खत्म होता तो हमारे शहीद जवान नहीं मारे जाते। दूसरा, काला धन वापस आएगा, 1 रुपया वापस नहीं आया, ना हमारा काला धन वापस आया, ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना बेरोजगारी खत्म हुई। और किसान हमारे लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या क्यों करते? तो सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। फिलहाल इस वक्त हो चुका है एक ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद तुरंत हम लौटते हैं और जारी रहेगा माहौल, बनाए रखिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेताओं ने अपनी बात कही, कहीं ना कहीं आम जनता ने उन बातों को नकार दिया। और भी लोग मौजूद हैं जो यहाँ के आम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। साहब ये बताइए, 10-15 सालों में कोई तब्दीली आपको बिजनौर में दिखाई दी? क्या तब्दीली करी है? नेताओं की तब्दीली दिखाई दी है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। नेताओं की तब्दीली दिखाई दी है, आप सभी के लिए है ये कि नेताओं की तब्दीली दिखाई दी है, आम जनता की तब्दीली नहीं दिखाई दी। दावे कैसे फिर कर रहे हैं ये? नहीं, दावे कर रहे हैं वो उनका दावा है, वो कुछ भी कह सकते हैं जी, कोई दावा नहीं है जी। कोई विकास कार्य नहीं हुआ है इस कार्यकाल में। यहाँ बीजेपी के 2 सांसद हैं, 5 साल से कोई यहाँ अभी तक दिखाई नहीं दिया दोनों। अभी 2 महीने से सबकी गाड़ी यहाँ पर आ गई बिजनौर में, कोई किसान ही रहे, चुनाव है तो गाड़ियाँ आएंगी। आनी शुरू हो गई, अपने वोटों के लिए आ गई कि जनता के लिए कोई नहीं हुई। कोई दुख तकलीफ में बिजनौर में कोई दंगा हुआ तो आ गए भाग के, अब चुनाव का वक्त हुआ तो आ गए भाग के, कोई नहीं आया। किसानों पर लाठी चार्ज हो रहा है, कोई भाजपा का नेता वहाँ पर नहीं आ रहा है। प्रियंका आई है, कुछ तब्दीली आएगी? देखिए, प्रियंका जी की और कांग्रेस की हवा तो माननीय मुलायम सिंह जी ने निकाल दी थी संसद में जी। अब मैं माननीय त्यागी जी का बता दूं, इन्होंने कहा भाजपा सरकार में एक रेल का डिब्बा बिजनौर जनपद में मिला। पूरी गजरौला से लेकर नजियाबाद तक इलेक्ट्रिक लाइन हो गई और डबल लाइन की परमिशन हो गई, डबल लाइन भी पड़ने जा रही है। दूसरी, दिलशाद भाई को बता दूं, ये कह रहे हैं कि साहब कोई योजना नहीं, बसपा के नेता हैं, ये खुद मुद्रा लोन लिए बैठे हैं, मोदी जी की लाभों का उठा रहे हैं और कह रहे हैं साहब कोई योजना नहीं मिली। यहाँ जितने खड़े हुए हैं उनमें से 90% ने मुद्रा लोन पे कारोबार कर रहे हैं और कह रहे हैं मुद्रा लोन में योजना नहीं मिला। इनको सारी आयुष्मान योजना के कार्ड बने हुए हैं इनके, और केवल ये बताइए साहब, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, आपको यहाँ क्या मिला पिछले 10 सालों में? पिछले 10 सालों में
जो विकास पिछले सरकारों में हुआ था, जो कार्य योजना पिछली सरकारों में चल रही थी, उसी को बनाया गया है, बाकी कोई कार्य नहीं हुआ। आप बिजनौर का आदमी अपने आप को कहाँ खड़ा मानता है आज के समय में? रोड पर, रोड पर, रोड पे खड़ा है बिजनौर का आदमी? नहीं नहीं, काम चल रहा है, बहुत काम चल रहा है। हाँ, बसपा की सरकार ने किसानों की, बसपा की सरकार में किसानों की मिल बेच दी, बसपा ने भी ऐसे करा, सपा ने भी ऐसे करा, मोदी की सरकार बहुत बड़ा सरकार चल रही है। सपा और बसपा गठबंधन? मैं नहीं जानता सर, मैं एक आम इंसान हूँ और यहाँ पर जितने ज्यादातर लोग खड़े हैं सब किसी ना किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। मैं एक आम इंसान हूँ और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए है वो क्या है कि बरेली यूनिवर्सिटी यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, लड़कियों का कॉलेज है, जेंट्स लड़कों का कॉलेज है, अगर कोई मार्कशीट में कोई कमी आ जाती है, डिग्री लानी है, माइग्रेशन लाना है, 200 किलोमीटर जाना 200 किलोमीटर आना, ये क्या तरीका है सर? कई बार डिमांड की गई कि मुरादाबाद को सब यूनिवर्सिटी दे दी जाए लेकिन समस्या सुनने को कोई तैयार नहीं, कोई भी सरकार रही हो चाहे, कोई भी सरकार रही हो चाहे कोई सुनने को तैयार नहीं होता। ये बताइए साहब, डिग्री कॉलेज क्यों नहीं खुलवाया देश में भी आपकी सरकार, प्रदेश में भी आप? डिग्री कॉलेज तो बहुत सारे, एमडी डिग्री कॉलेज को परमिशन मिली, कृष्णा कॉलेज है, विवेक कॉलेज है, वर्धमान कॉलेज है, रानी भाग्यवती डिग्री कॉलेज है, इतने सारे कॉलेज है, एफिलेटेड हो या एजुकेशन, तो बच्चों को तो एजुकेशन दिलानी है ना, यूनिवर्सिटी से क्या मतलब, बच्चों को तो एजुकेशन। कोशिश करी आपने की एक यूनिवर्सिटी खुल जाए? सड़क, बिजली, पानी, तीन मुख्य मुद्दे हैं, 70 साल से इन्हीं बातों पर लड़ाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पर भी काम किया है, बिजली पे जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 16 घंटे लगातार बिजली की आपूर्ति हो रही है सौभाग्य योजना के अंतर्गत। ये तो कह रहे हैं सब आपूर्ति हो रही है, हमने ढोल पीट पीट के कनेक्शन दिए, आप कह रहे हैं लेकिन पब्लिक तो आपके बात से सहमत नहीं हो रही है। ये बताइए आपने भी यहाँ राज किया, आपने क्यों यहाँ पर यूनिवर्सिटीज नहीं बनवा दी, आपने क्यों यहाँ पर? समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद मंडल के अंदर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी रामपुर के अंदर बनाई, आप जाके देख लीजिए। तो बच्चे रामपुर जाएं यहाँ से पढ़ने? हमने तो यहाँ भी मेडिकल कॉलेज खोलने का काम करा था, इन्होंने पास करा, हमारी सरकार ने पास करा था, इन्होंने जगह नहीं दिया, इन्होंने बंद कर दिया उसको, पैसा भी रिलीज कर दिया हमारी सरकार ने, वो सारा वापसी कर दिया, करा दिया भाजपा के लोगों ने। ये तो आपस में लड़ रहे हैं, आपने भी, आपकी सरकार रही तो आपने क्यों यहाँ कोशिश नहीं करी? क्यों, हमारी जितनी यूनिवर्सिटी है सब कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के अलावा किसी ने यूनिवर्सिटी बनाई हो तो बताइए, सब कांग्रेस की देन है। ये लोग कोई भी कहेगी नहीं कुछ नहीं दिया है लेकिन सारी यूनिवर्सिटीज कांग्रेस की देन है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया अब तक, जो कुछ करा है कांग्रेस ने करा है और इन्होंने पकौड़े तलवाने के अलावा कोई काम नहीं करा। माता जी ये बताइए जिस तरीके से गठबंधन हुआ, प्रियंका जी भी आ गई है, तो क्या तब्दीली आएगी और क्या आप लोगों का विकास होगा? चुनाव तो आएंगे और फिर सरकारें बन जाएंगी, विकास भी आएगा, चुनाव भी होंगे। इन्होंने भाजपा क्या करा, बीजेपी वालों ने सिवा लाठी चार्ज करने से किसानों पर कुछ नहीं करा। बिजनौर का लॉ एंड ऑर्डर से कितना आप जो है सहमत है? बिजनौर का लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल जीरो है जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब तो दे रहे हैं, सभी मुद्दों पर पूरी जनता जवाब दे रही है। मेरा जवाब यह है जी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? विकास जी अभी आपके पास आ रहा हूँ, जंगल में मोर नाचा किसने देखा ये बताइए। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो क्या लॉ एंड ऑर्डर आपके हिसाब से ठीक है? जितने भी राजनेता यहाँ बोल रहे हैं बीजेपी का, और वो एक बात बार बार कह रहे हैं कि विकास हुआ है, अगर विकास होता तो दिखाई देता, और जितना भी विकास हुआ हो वो सिर्फ जुमलेबाजी से हुआ है। इस पर मुझे एक शेर, पिछली सरकारों ने कराया विकास? विकास बहुत हुआ है पहले, अब तो विकास नहीं विनाश हुआ है। ये बताइए महिलाओं की अगर सुरक्षा की बात करते हैं तो आप किस तरह देखते हैं बिजनौर के लॉ एंड ऑर्डर को? यहाँ तक मैंने देखा कि सरकार कोई भी हो मुझे सरकार से कोई मतलब नहीं, मतलब इस चीज से है कि महिलाओं का उत्पीड़न और ये अत्याचार क्यों हर सरकार में बार बार होता, क्यों इसे रोका नहीं जाता, बजाय घटने के वो क्यों बढ़िया, किस बात पे बढ़िया? महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अपने अगर समस्या लेके जाती है किसी भी अधिकारी के पास में तो कहते हैं फिर आना, कल आना, परसों आना, ये ऐसा कौन सा टाइम है? अंदर तुम मीटिंग कर रहे हो, 2 घंटे से मीटिंग कर रहे हो, कौन सुनेगा हमारी समस्या है? पढ़े लिखे हैं, सड़कों पे फिर रहे हैं, क्या यही परेशानी है हमारी? ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। हमारा बिजनौर ऐसी जगह है जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है, क्योंकि मेरे को भी 34 साल इस शहर में हो गए आए हुए, लेकिन मैंने कभी यहाँ पे महिलाओं के साथ क्राइम नहीं देखा है, और यहाँ विदुर की भूमि है, विदुर की भूमि पे कोई क्राइम हमने नहीं देखा है। सुरक्षा के मामले में बिल्कुल बिजनौर सुरक्षित है, महिलाओं को पूरा सम्मान है, हमारे बिजनौर में ऐसी कोई कमी नहीं है। महिला झूठ बोल रही है। बिजनौर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर स्थिति अच्छी है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर हुई है, बल्कि
जो बड़े बड़े बदमाश थे, हिस्ट्री सीट बदमाश थे, उन्होंने आपने देखा होगा मुकीम काला जैसे कैराना के अंदर चेस्ट पे लगाकर कि मैं चने बेच लूंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा परंतु क्राइम नहीं करूंगा, ये स्थिति तक ला खड़ गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर ये कहा था कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दे वरना जेल जाने को तैयार है, वरना उसको ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। चाहे इतने सारे एनकाउंटर अपराधियों के, कुछ पूछे मत ना, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कुछ सच्चाई है, कोई सच है, कोई गलत है। जमीनी स्तर पे क्या जो सरकारें दावा करती हैं, क्या वो होता है? कुछ नहीं होता, बिल्कुल सब झूठ है इनका, बिल्कुल सब का। जितने भी काम होते हैं सारे इनके, जितने भी काम हो रहे वहाँ बगैर पैसे दिए कोई काम नहीं होने का आपका बिल्कुल भी। अब भ्रष्टाचार नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार को बीजेपी ने एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर दिया है। जैसे मुझे 1000 एक मिनट जो भी वन टू वन बहस कर सकता कोई भी, आप बोलिए। 1,00,000 करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट है, मुझे उसमें 15% रिश्वत चाहिए, मैं बीडीयू की 1,15,000 करोड़ की मंगाऊंगा, मेरा क्या जांच कर लोगे आप? एक बात, महिलाओं पे आप 1 घंटे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर महिलाएं सारे के सारे देश में सुरक्षित हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा है कि जितने भी महिलाओं के गृह हैं और ये बाल लड़कियों के गृह हैं, क्यों इन पर सबसिड बैठा के अलग से जांच कराई जा रही है? कोई लगाम नहीं है किसी भी दफ्तर में, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। जहां पहले 5 रुपए में काम होता था, आज 200 रुपए में काम होने के लिए तैयार नहीं है। खुला बाजार पैसे का है, ये तो वो सरकार है जिन्होंने किसानों पर लाठी और गोली चलवाने का काम किया है। भ्रष्टाचार में कुछ कमी है? नहीं सर, यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत है। किसी भी ऑफिस में जाते हैं, बिना पैसे के कोई फाइल नहीं होती, आगे नहीं बढ़ती, कोई काम नहीं हो पाता है। भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूँ। वैसे तो मैं एक मीडिया कर्मी हूँ, लेकिन खुद की मेरी जमीन जो एक लगी हुई है, जो निकल गई चकबंदी से 12 साल बाद में अब आके निकली है, उस पे कानू को साहब गए नपती कर दी, उसके बाद में दूसरे से जिसने कब्जा कर रखा है वहाँ से पैसे लिए और हमारी जमीन को कह दे की घरों में है, कहाँ किसके सिर पे लट मारेंगे हम? यहाँ पर सांसद जी है, विधायक जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, सब लोग एक ही कैटेगरी के हैं। मैं खुद पिछले 1.5 साल से सुनिए, वेल लिसन लिसन, हल्दौर ब्लॉक जिला पंचायत के अंदर आता है, सुनो, पिछले 1.5 साल हल्दौर ब्लॉक, सुनो, तस्वीर कोई भी हो, तस्वीर कोई भी हो, लेकिन उस तस्वीर में कहीं ना कहीं कमियां हैं। ये आपकी बात, आपकी बात हम समझ गए, हम आपका ही, हम आपका सवाल का जवाब लेने जा रहे हैं भाजपा से। ये बताइए साहब, तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि यहाँ जो रोडे हैं वो खुदी हुई हैं, और साथ ही भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिजनौर का। सरकार की योजनाओं को सरकारी अधिकारी ये प्रयास करते हैं, चाहे वो किसी भी सरकार प्रयास करते हो कि बिना पैसे के कोई काम ना हो, परंतु मोदी सरकार ने डायरेक्ट बिना किसी बीच का रास्ता खत्म कर दिया। जैसे कश्मीर के अंदर था, बाढ़ आई थी, पैसा राज्य सरकार से सूची बनवाई प्रभावित सरकार, इस बार ही बनती है तो भ्रष्टाचार को लेकर क्या करेंगे तुम? हमारा जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पर, हम समझौता नहीं करेंगे। हम जो 70 साल से भ्रष्टाचार 65 साल से पनपा है, उसका कौन जिम्मेवार है? हमारी पार्टी में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठी बात कर रहे हैं। जिसने भ्रष्टाचार करा भी है, समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई करी है, आप जाके देख लिए नोएडा के अंदर। देखो साहब, अब हमारी सरकार आ रही है दोनों की, सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाओगा, और कोई बीजेपी नहीं है, कोई मोदी नहीं है, यूपी में सिर्फ साफा और मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और बहन जी है, इसके अलावा बीजेपी का नामो निशान नहीं है। इन बीजेपी वालों से कह दो फड़फड़ाना छोड़ दे। सब तो अपना अपना कह रहे हैं, आप ये बताइए, पिछली बार सपा ने बाकायदा सर आंखों पे बैठा था कांग्रेस को, फिर उसके बाद दरकिनार कर दिया, और इस बार तो पूछा भी नहीं आप लोगों को। हमें उनकी जरूरत ही नहीं है, वो क्या पूछेंगे हमें सपा की और बसपा की कोई जरूरत नहीं है। हम तो अपने बलबूते पर कुछ चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़के दिखाएंगे और अपना परचम लहराएंगे और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना के रखेंगे। बिजनौर के जनता थी जो उसने साफ तौर से हर चीज के ऊपर बात रखी। समय काफी कम है, समय लगभग खत्म हो चुका है, तो लिहाजा ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से बिजनौर, चूंकि एक ऐतिहासिक शहर है, यहाँ पे जो कृषि क्षेत्र ये बोला जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे जो है अनाज उगता हो, तो वो क्षेत्र देश का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। और जिस तरीके से दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है, तो उससे ये कहना गलत ना होगा कि बिजनौर में जो 2 सीटें हैं वो काफ़ी अहम हैं आने वाले चुनावों में। तो अब देखना होगा कि आखिर कौन यहाँ पर जीतेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।